कलश जिससे पुल्ली पूरा कैसे संभल किया जाता है, आज ये वीडियो के अंदर आपको खाली ये बताऊंगा कि आप पूरा ओपन किए, ओपन करने के बाद नया बंदा जैसे नया आदमी काम करने लगा तो उसको नहीं मालूम पड़ता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसको आप फिटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको तो क्या करना है, ग्रीस लेना है। ग्रीस आप कोई भी ग्रीस ले सकते हो। अभी इसमें देखिए मैं हल्का से इसमें ग्रीस लगा दे रहा हूँ, इसमें अभी इसमें देखिए दो रिंग है, दोनों रिंग जो आप जैसे ऑयल सील बोला जाता है रिंग, इसको बोला जाता है, इसको ऑयल सील बोला जाता है। तो ऑयल सील का जो नंबर लिखा हुआ रहता है, कभी भी देख लो यहाँ नंबर देखो लिखा हुआ है, ये नंबर जो लिखा हुआ पार्ट है इसको ऊपर रखना चाहिए। देखिए ऊपर साइड में इसको रखना चाहिए, एक तो यहाँ बैठ चुका हुआ, दूसरा भी देखिए यहाँ आता है, इधर देखिए, तो यहाँ भी देखिए मार्किंग जो लगे जो नंबर लिखा हुआ है नंबर का, यहाँ ऐसे आप इसको फिटिंग का ऐसे ही फिटिंग हो जाता है। मतलब आपको ऐसे नहीं करना है, आपको जो नंबर लिखा हुआ है उसको बाहर साइड रखना चाहिए, अंदर नहीं करना चाहिए। अब ये फिटिंग होगा, फिटिंग करने के बाद इधर एक रिंग आता है, देखिए अब ये रिंग देखिए बराबर बैठा नहीं है, इसको बराबर बैठाना चाहिए। अभी थोड़ा और भी ग्रीस लगा दे रहा हूँ, ये ब्लैक कलर के काला कलर का ग्रीस है, आप सोचोगे गंदा ग्रीस है, गंदा ग्रीस नहीं है, ये अच्छा वाला ग्रीस है। इसमें जो बैरिंग होता है बैरिंग में यूज करता हूँ मैं, और ऐसे गाड़ी के अंदर भी यूज़ करते। अभी इसको क्या करना चाहिए, ये पुल्ली देखिए अभी सोच रहे हो गंदा है, इसको थोड़ा से हल्का से इसको एकदम सफ़ा कर देना चाहिए। यहाँ ग्रीस नहीं लगा हुआ रहना चाहिए, ना ग्रीस ना ऑयल यहाँ नहीं लगा हुआ रहना चाहिए। देखिए सफ़ाई थोड़ा हाथ लगाया है तो इसलिए थोड़ा गंदा हो जा रहा है, ये देखिए। अभी इसको अभी मैंने ये देखिए यहाँ फिटिंग कर दिया, तो यहाँ फिटिंग करने के बाद देखो थोड़ा से ग्रीस से बाहर आ चुका हुआ, तो एक ग्रीस को लेके यहाँ थोड़ा से यूज़ करना चाहिए। देखो इधर भी मैं यूज़ कर दे रहा हूँ, लेकिन इसको वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ये देखिए। अब ये लगाने के बाद अब यहाँ तीन आता है, देखिए ये पीस अलग होता है, ये देखिए इसको हमारे इधर कुत्ता बिल्ली बोलते, तो सबका बोलने का अलग अलग तरीका होता है। इसमें फिटिंग होता है बैरिंग की, जैसे काम करता है अप डाउन करता है, इसका जो खाँचा होता है इधर, ये देखिए खाँचे के अंदर बराबर बैठना चाहिए। अगर आप इसको बराबर नहीं बैठेगा तो आप जब इसके काम करोगे, स्क्रूटर पे बराबर काम नहीं करता है, तो इसलिए कंपनी ने इसको खाँचा बना के रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ बैठ चुका, अब बैठने के बाद यहाँ एक रिंग आता है। अब ये देखिए नीचे रिंग बैठा चुके, अभी इसको ऊपर इसको प्रेस करना चाहिए। ये देखिए यहाँ एक वो लगा रहता है, इसके नीचे वाशर लगा हुआ रहता है। अब ये देखिए अभी बराबर परफेक्ट काम कर रहा है, देखिए इसको अभी थोड़ा सा अच्छे से इसको सफ़ा कर दे रहा है इधर, ये देखिए। ये सफ़ा करने के बाद अब इसके ऊपर क्या आएगा, अब इसके ऊपर देखिए एक स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग यहाँ बैठ गया हुआ है, इसके उस स्प्रिंग के ऊपर भी एक वाशर रहता है, देखिए यहाँ भी एक वाशर है, यहाँ भी एक है, समझ लो नीचे और एक ऊपर, फिर उसके ऊपर आपको ये लगेगा। इसमें कलर शू सब लगा हुआ रहता है, कलर शू अगर फिटिंग करना है तो आपको सब लॉक निकाल के कलर से निकालना पड़ता है। ये देखिए इसी तरीके इसको आप कलर्स का असेंबल कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाए।